हाँ देखो, संकाय और विषयों की समझ में हमने कल सह संबंध पढ़ा था। सह संबंध में हमने उसके अर्थ परिभाषा पढ़ ली थी, क्या लाभ है ये भी पढ़ लिया था, किस तरह से दूसरे विषयों से सह संबंधित करके विषयों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ये सब हमने जानकारी ले ली थी। अब उसी में हम आगे सह संबंध से लाभ तो हमने पढ़ लिए थे, इसी तरह से सह संबंध की कुछ हानियां भी है, या कह दें कि सह संबंध की कुछ हानियां हैं, या उन्हें हम सीमाओं के नाम से भी जानते हैं कि जैसे सह संबंध की सीमा। सीमाएं जैसे हम बात कर रहे थे कि सह संबंध से एक तरह से स्वाभाविक विकास होता है, बालकों का चहुमुखी विकास संभव हो पाता है, बालक कार्य करके सीखो के शिक्षण सूत्र के आधार पर भी सीखते हैं। तो इस तरह से बालक का जो ज्ञान है वह बारीकी से विकसित हो पाता है, एक तरह से सूक्ष्मता से वह विस्तृत ज्ञान संपूर्ण विषयों का ले पाता है एक तरीके से। लेकिन इसके बाद भी कुछ सीमाएं हैं जो सह संबंध में कमियां बताती हैं, कुछ है ऐसे कि जैसे विषय हैं तो हमेशा उन्हें सह संबंधित करके नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे मानो अपन बात करें कि किसी विषय की विशेष की विशेष योग्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या किसी विषय विशेष के क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी विषय का जब विशेष क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उसी विषय के ज्ञान की भूमिका मुख्य होती है, प्रधान होती है। तो उस समय दूसरे विषयों से उसे संबंधित करने में जैसे जो बालक का ध्यान है वह कम हो जाएगा, या उसे भटकाव की स्थिति में भी हम बता सकते हैं कि जैसे वह कुछ भटकाव की स्थिति में हो जाएगा। इस तरह से हमेशा सह संबंध स्थापित किया जाए यह आवश्यक नहीं होता। तो अगर ऐसा करते हैं तो कुछ हानियां भी हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि सभी शैक्षिक परिस्थितियों में सह संबंध उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो हम ये कमियां इसकी हैं जो बता देंगे कि एक ही विधि का प्रयोग सभी शैक्षणिक परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। जैसे सहसंबंध भी एक विधि ही है एक तरह से, तो एक ही विधि का हम बार बार प्रयोग करें किसी भी विषय को समझाने में, किसी भी पाठ्य वस्तु या पाठ्य सामग्री को संप्रेषित करने में बार बार एक ही विधि का प्रयोग करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होता है। इसीलिए हम ये बता देंगे कि जैसे एक ही विधि का प्रयोग, सभी शैक्षिक परिस्थितियों में, नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जैसे। और बात करें कि जैसे सह संबंध है इसके माध्यम से जो विषय है तो उनका गहराई में अध्ययन करते हैं, तो गहराई में अध्ययन विशेष के पक्ष को ध्यान में रखते हुए सह संबंध करना भी संभव नहीं होता है। सह संबंध के माध्यम से किसी विषय की संभव नहीं हो पाता है,
प्रकार से सभी अध्यापक जैसे सहसंबंध का प्रयोग करना भी अपने आप में एक कला है कि किस प्रकार से एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित करना है। जैसे सहसंबंध के हमने प्रकार भी पढ़े थे, 5 प्रकार हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से सहसंबंध को बड़ी कक्षाओं के ज्ञान में समायोजित करना, किस प्रकार वहां उस ज्ञान का उपयोग हो सकेगा, उस तरह से सहसंबंध करना। किसी प्रकार से क्लास है, कक्षा है, तो उस कक्षा में ही अन्य विषय है, तो उन्हें में उन्हीं सब विषयों में किस प्रकार से सहसंबंध उपयोगी हो सकता है, या कहें व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, या एक तरह से सहसंबंध पढ़ाते पढ़ाते भी अन्य विषयों से उसका संबंध जोड़ देना, अचानक से आकस्मिक समन्वय करना, सहसंबंध करना इसी तरह से, या पूर्व में नियोजित करके सहसंबंध के माध्यम से अपने विषय के ज्ञान को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करना। तो इस तरह के इतने प्रकार के जो संप्रेषण है, सॉरी सहसंबंध है, तो इन सहसंबंधों के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाना। तो विशेष तरह से सभी अध्यापक इस तरह के सहसंबंध के सभी प्रकारों को उसमें समायोजित करके, या कहें अपनी पाठ्य वस्तु जो विषय सामग्री है उसे अन्य विषयों से या आने वाली कक्षा से सहसंबंधित करके पढ़ाएं, या सभी अध्यापक पढ़ा सके, इस प्रकार भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से सहसंबंधित पढ़ा करके अपने विषय ज्ञान के ज्ञान को बालकों तक या विद्यार्थियों तक संप्रेषित करना भी एक क्या है, कला है। तो इस तरह की कला का विकास भी सभी अध्यापकों में हो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें कमी में भी कि सभी अध्यापकों के द्वारा सहसंबंध के माध्यम से अध्यापन कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो एक कमी यह भी है कि सफलतापूर्वक जैसे प्रयास कर भी लेते हैं, प्रयोग करते भी हैं, तो वो सफल भी नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से हम ये बता सकते हैं कि सहसंबंध में एक कमी यह भी है कि सभी अध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सभी अध्यापकों द्वारा द्वारा सफलतापूर्वक इसका उपयोग करना संभव नहीं होता है। करना संभव नहीं होता है। इसी तरह से प्रोफेसर नायडू हैं एक, उन्होंने भी ये बताया है कि एक तरह से ये संभव नहीं है कि विषयों के सभी विषयों के ज्ञान को दूसरे विषयों के ज्ञान से समायोजित किया जाए, समन्वित किया जाए, तो ये भी एक तरह से संभव नहीं है कि एक विषय के ज्ञान को जब हम हमेशा ही दूसरे विषयों से संबंधित करके पढ़ाएं, या उस विषय के ज्ञान को आने वाली कक्षाओं से संबंधित करके पढ़ाएं, तो ऐसा हमेशा संभव सभी विषयों में या सभी विषयों के सभी प्रकार के प्रकरणों में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सहसंबंध भी कुछ ही प्रकरण है, कुछ ही विषय सामग्री हो सकती है, कोई भी ऐसी जैसे पाठ्य वस्तु है, तो समस्त पाठ्य वस्तु ही इस तरह से सहसंबंधित की जा सके, तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। इस तरह का प्रोफेसर नायडू है, उन्होंने भी बताया है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे सभी विषयों के सभी पाठ्य वस्तु को दूसरे विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना भी संभव नहीं होता। समस्त विषय वस्तु को दूसरे विषयों से
संबंधित करना संभव नहीं होता है, सिद्ध करना संभव नहीं होता है। इस तरह से ये कुछ सहसंबंध की कमियां हैं। हालांकि सहसंबंध के लाभ हैं, किस प्रकार से सहसंबंधित करके विषयों के ज्ञान दिए जाने से बालक लाभान्वित होता है, दूसरे विषयों से जुड़कर उसके ज्ञान में व्यापकता आती है, किस प्रकार संकीर्णता खत्म होती है और विस्तृत रूप से वो ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाता है। तो एक तरह से सहसंबंध आवश्यक भी है, लेकिन सभी परिस्थितियों में उसका प्रयोग संभव हो सके ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये उसकी कुछ कमियां हैं जिनको भी ध्यान में रख लिया जाता है जब हम अपनी विषय वस्तु को संप्रेषित करते हैं बालकों तक। तो वहां इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से कौन सी विषय वस्तु है, उसका ज्ञान कौन से दूसरे विषय से संबंधित हो रहा है, यदि हो रहा है, यदि हम उसे कर सकते हैं, उसी प्रकार से उसे समझाया जा सकता है, तो उसी दृष्टि से प्रयास करके उसका संप्रेषण या अध्यापन कार्य किया जाना चाहिए। यदि अनावश्यक ढंग से हम सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो जो हमारी विषय वस्तु है जिसे हम संप्रेषित कर रहे हैं उसका लाभ जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से न होकर हो सकता है, वह हमें कुछ असफलता की ओर ले जाए या विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि की अपेक्षा कहीं उनके अज्ञानता को ना बढ़ा दें। तो इस तरह से हम उन प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सहसंबंध का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा सहसंबंध का टॉपिक है ये पूरा हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था, समझाया था कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है संकाय एवं विषयों की समझ, संकाय डिसिप्लिनरी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें किस तरह से हम अन्य विषयों के ज्ञान को भी पढ़ेंगे। केवल हमने जैसे अभी तो ये तो सिमिलर चीजें हैं, सहसंबंध जो हमें विज्ञान में भी करना है, सामाजिक में भी करना है और हिंदी में भी है, कई सारे विषय हैं, कहाँ कैसे संबंधित करने हैं ये सारी बातें मैंने इसमें आपको समझाई है। तो इसी तरह से इसको हमें पढ़ना है। इसके अलावा अब जैसे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग विषयों के आधार पर थोड़ा थोड़ा सा अलग, जैसे कौन सा विषय है तो उसको क्या उसकी प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं या किस तरह का उसका अर्थ और परिभाषाएं हैं, ये एक एक करके बताएंगे और उसके बाद उनसे संबंधित उनकी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। तो इसी दृष्टि से उसी क्रम में जैसे अब मैं आज सामाजिक विषय पढ़ाऊंगी, सामाजिक ज्ञान है, जैसे सामाजिक अध्ययन नाम से भी आपके जैसे फोर्थ ईयर, दोनों फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर, इसके अलावा जो बीएड सेकंड ईयर भी है उनका भी जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो भी उसे पढ़ सकेंगे। ये दोनों क्लासे हैं, इनका भी यदि सामाजिक अध्ययन, ये तो जैसे इनका सामाजिक अध्ययन नहीं रहेगा, बीएससी वाले स्टूडेंट है, जैसे विज्ञान शिक्षण की जब विज्ञान शिक्षण को पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ सकेंगे। अब जैसे सामाजिक पढ़ रहे हैं तो इसमें ये विद्यार्थी भी आ रहे हैं और बीएड में तो जैसे संकाय विज्ञान सामाजिक जिनका जैसे भी जो जिनके पास वो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके आधार पर जिनका सामाजिक टीचिंग सब्जेक्ट है वो भी इसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनके भी इसी तरह के सवाल या प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछने में आते हैं टीचिंग सब्जेक्ट में भी। जो मैंने बताया था हमारा पेडागोजी शिक्षण शास्त्र नाम से विषय चलता है, तो उस पेडागोजी में जिनका सामाजिक अध्ययन विषय है, जिन्होंने सोशल स्टडी ले रखा है, एसएस ले रखा है, उनको भी इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें सारी क्लासें पढ़ लेंगी फोर्थ ईयर जिनके पास सामाजिक है वो भी, बीएड फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी जिनके पास सामाजिक विषय है, तो जिनके पास भी सामाजिक अध्ययन विषय है सब इसे पढ़ लेंगे सामाजिक अध्ययन। इसे तो पढ़ना ही है जिनके पास, जैसे इन तीनों क्लासों के पास संकाय और विषयों की समझ नाम से पांचवा पेपर चल रहा है उसमें तो पढ़ना ही है,
उसके अलावा मैंने अभी बता ही दिया है, टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण को हमें पढ़ना है। तो जैसे देखो, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक से अर्थ ही क्या है, समाज में एक प्रत्यय लगने से सामाजिक बना, यानी हम बता सकते हैं समाज से संबंधित। सबसे प्रारंभ में जो हम सामान्य सी बात करें इससे संबंधित, क्योंकि अब तक हम सामाजिक पढ़ते भी आए एक स्तर तक, जैसे 10th के स्तर तक तो सामाजिक विज्ञान नाम से सभी के पास सब्जेक्ट होता ही है। अभी यहाँ इसको एक विज्ञान न कहकर एक सामाजिक अध्ययन नाम दिया है, तो उसको भी मैं आगे और डिफाइन करूंगी किस तरह से थोड़ा इनमें डिफरेंस है, उसे भी बताएंगे। अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि जैसे जो सामाजिक अध्ययन है अर्थात समाज से संबंधित है, तो मनुष्य है जो हम जानते हैं, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, परिवार में जन्म लेता है, आसपास के वातावरण और समाज से किसी ना किसी प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करता है। एक तरह से समाज की कोई ना कोई, प्रत्येक समाज होता है, प्रत्येक परिवार होता है, परिवार से जैसे मिलकर समाज बनता है, तो प्रत्येक परिवार की संरचना अलग हो सकती है, समाज है उसकी संरचना भी अलग हो सकती है। तो इस दृष्टि से जैसे जो समाज की संरचना होती है, उसके जो अपने आदर्श होते हैं, उसके जो अपने मूल्य होते हैं, जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, वह सभी क्या है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे मानो हम ये मानते हैं कि जो प्राचीन काल का समाज था, एक तरह से उसकी संरचना कुछ सरल हुआ करती थी, तो उसे पढ़ने का कार्य जैसे समाज के द्वारा, कहीं किस तरह से परिवार के द्वारा, कहीं समझाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ, तो इस विकास के दौर में समाज की संरचना में भी परिवर्तन आया। जैसे कि हम ये मानते हैं कि जो भी सामाजिक समाज है, या कोई भी संसार की वस्तु है, या एक तरह से कहें प्रत्येक क्षण है, तो सभी कुछ परिवर्तित होता रहता है। तो उस परिवर्तन के दौर में, यानी जैसे जैसे जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो उस परिवर्तन के दौर में जो समाज है, जिसकी संरचना पहले सरल हुआ करती थी, तो यही सरल संरचना धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के विकास में यह जटिल होती चली गई। एक तरह से हम नॉर्मल रूप से ही बात करें कि जैसे मानो जो समाज हमारा है, पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एकल परिवार बहुत कम मिला करते थे, सभी लोग साथ मिलकर रहा करते थे, तो एक तरह से विद्यालय का उत्तरदायित्व वहां कम हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे अनुभव, सामान्य जो आदर्श और मूल्य हैं, जिनकी प्राप्ति बालक को घर परिवार के वातावरण से ही हो जाती थी। किस प्रकार हमें बड़ों से बात करनी है, कैसे बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, किस तरह से बड़ों के समक्ष हमें अपना व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारे रहन सहन का ढंग होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो इन सभी तरह की बातों का ज्ञान उन्हें विद्यालय में देने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि यह बालक वो अपने घर परिवार के वातावरण से सीख लेता था। ज्यादातर समाज की संरचना इसी तरह की होती थी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो तरीका एक सरल था, विद्यालय में उन बातों को सिखाने की जैसे आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, बालक सीख लेता था, तो संरचना एक तरह से सरल थी। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है, अधिकांशतः परिवार जैसे एकल परिवार भी होते जा रहे हैं, वहां महत्व घट जाता है। जैसे बालक अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, जैसे भी जो भी परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो उनके संपर्क में कम आता है, कभी कभी आता है, तो कभी कभी औपचारिकता होना एक अलग बात है, और हमेशा साथ रहकर किस प्रकार अपने रिश्तों को बनाए भी रखना और उन्हें ठीक प्रकार से उनका निर्वहन भी किया जाना। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, या ये जो सारी समाज की संरचना है, तो इस प्रकार का कार्य किस प्रकार से होना है, तो ये एकल परिवार में विद्यार्थी या कहें कि बालक जैसे सीख नहीं पाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी लगभग किस पर आ जाती है, विद्यालय पर ही आ जाती है, कि जो विद्यालय है उसी के द्वारा समाज के इन सब संरचनाओं को, इन सब कार्यों को बालक को सिखाया जाए। क्योंकि एक तरह से ये हम मानते हैं कि जो विद्यालय का दायित्व है, तो विद्यालय का दायित्व केवल बालक को औपचारिक शिक्षा देना मात्र नहीं है, जो विद्यालय है उसे ये केवल उसका ये दायित्व नहीं है कि उसे औपचारिक भी शिक्षा दी जाए। क्योंकि
बालक को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ उसे व्यवहारिक बनाने का दायित्व भी विद्यालय का होता है। जैसे कि आज के जो आधुनिकता का दौर है, इस दौर में जो समाज की संरचना जटिल हुई है, तो इस जटिल संरचना में विद्यालय के दायित्व में वृद्धि हुई है और उसे औपचारिक शिक्षा के साथ बालकों को व्यवहारिक शिक्षा भी देनी पड़ती है। तो उसी दौरान जैसे जो समाज से संबंधित एक सामाजिक विषय को रखा गया है, जिसमें एक तरह से विद्यार्थी को किस प्रकार की समाज जो सामाजिकता है, जो आदर्श है, जो मूल्य है, उनके बारे में उनको अवगत करवाया जाता है, व्यवहारिक रूप में उनको सिखाया जाता है। और इसी दृष्टि से आवश्यकता हुई सामाजिक अध्ययन विषय की। तो इस तरह से समाज के जटिल जो रूप है, उस जटिल संरचना को और सरल बनाने के लिए, सरल तरीके से समझाने के लिए, जैसे जो समाज के और जो समाज के लोगों के जीवन में जो संबंध है, मानव जीवन है, तो जो संबंधित है समाज से, किस प्रकार से उसमें जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, और समाज से व्यक्ति के जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों में और मधुरता या और व्यावहारिकता लाने के लिए, इस तरह के विषय को भी पाठ्यक्रम में रखा जाता है। जैसे जो सामाजिक अध्ययन विषय है, तो हम यहाँ सामाजिक अध्ययन के बारे में तो ये तो जैसे हम पढ़ ही चुके हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है, इसी प्रकार से समाज की जटिल संरचना को सरल बनाने के लिए, उसमें आने वाले जो सारे समाधान हैं, समस्याएं हैं, जो सारी समस्याएं हैं, तो उनके समाधान ढूंढने के लिए, उनके समाधान ढूंढने के लिए, समाधान प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे कि बालक और समाज के जो संबंध हैं वो और अधिक स्थिर, मधुर हो सके, स्थायी रूप में आ सके। इस दृष्टि से सामाजिक अध्ययन विषय की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद देखो, जैसे जो सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ ही हम पढ़ लेते हैं, कुछ परिभाषाएं भी। पहले सामाजिक अध्ययन का अर्थ देख लेते हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन है, इसको जो अंग्रेजी में इसका जो नाम है, जो अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण इसका क्या है, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन, जैसे कि ये कहा जा सकता है सोशल सामाजिक स्टडीज अध्ययन, अर्थात समाज के जो समाज के संबंध है या समाज के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में मानवीय जो परिस्थितियां हैं, जो मानवीय परिस्थितियां हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में या मानव के परिप्रेक्ष्य में, उनका अध्ययन करना। परिप्रेक्ष्य में मानवीय या मानव के सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। एक तरह से समाज में रहते हुए मानव का किस तरह का व्यवहार है, उसका अध्ययन करना, या कहें कि जैसे मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, या समाज के परिप्रेक्ष्य में मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन, या शाब्दिक रूप से इसके अर्थ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे जो अंग्रेजी का शब्द सोशल स्टडीज है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका हिंदी रूपांतरण हम कहें, हिंदी रूपांतरण सामाजिक अध्ययन ही है, और शाब्दिक अर्थ की जिसकी हम बात करें, शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, समाज का अध्ययन।
समाज का अध्ययन। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन है, इस सामाजिक अध्ययन में समाज का अध्ययन किया जाता है। इस समाज के अध्ययन में मानव को ध्यान में रखते हुए उस मानव के किस तरह से समाज से संबंध है, कोई व्यक्ति है उसका क्या समुदाय है, क्या धर्म है, किस तरह से उसका रहन सहन का ढंग है, या किसी न किसी राज्य से वो किस रूप में संबंधित है, इस तरह से उसके ज्ञान को उस सामाजिकता से संबंधित करके, एक तरह से संपूर्ण ज्ञान को समाज से संबंधित करके परस्पर रूप से जो सामाजिक संबंध उसके हैं, तो उन सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मानव की परिस्थितियों का समाज के संबंधों के साथ अध्ययन करना ही क्या है, एक तरह से सामाजिक अध्ययन है। तो इस तरह से ये तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ हो गया। इसके अलावा हम सामाजिक अध्ययन के अर्थ के अलावा हम इसकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। ये तो हमने सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ा है ना, अर्थ जैसे हम बता देंगे कि जैसे यह शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशल स्टडीज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन होता है, और समाज के परिप्रेक्ष्य में मानव के सामाजिक संबंधों का या मानव का समुदाय से या उसके धर्म से या क्या कहेंगे कि किसी राज्य से किस प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं, उन सभी संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ेंगे।